नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पर गांधी विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज पटना के गांधी संग्रहालय में गांधी जी के बिहार से जुड़ी यादों पर चर्चा हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पूरा साल गांधी चंपारण की सत्याग्रह की याद का साल है, ताकि हर कोई गांधी जी के योगदान को समझ सके और जान सके कि कैसे सत्य की राह पर चलते हुए उन्होंने देश को आजादी दिलाई। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि गांधी जी ने आज ही के दिन चंपारण में अपने कदम रखे थे। पटना के गांधी संग्रहालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन सियासत यहाँ भी हावी रही। गांधीवादी विचारकों की मौजूदगी में डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोग दिखावे के लिए सत्याग्रह मना रहे हैं और गांधी जी की जो विचारधारा है, जिस प्रकार से उन्होंने आजादी से लेकर के जो उन्होंने योगदान देश के लिए देने का काम किया, सब लोग गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह को मनाने का काम करेंगे। कुछ लोग मना रहे हैं और कुछ लोग ना चाहते हुए भी मनाने का ढोंग करने का काम करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये शताब्दी उत्सव ऐसे वक्त में मनाया जा रहा है जब गांधी विचार को षड्यंत्र के तहत खत्म किया जा रहा है। समय के से हम लोगों ने गांधी विचारधारा को सशक्त और मजबूत करने का काम इस देश में किया है, लेकिन 100वें शताब्दी वर्ष में ये एक चिंता का विषय है कि हम गांधी की विचारधारा को किस तरह तक जन जन तक पहुँचाने का काम करें। हम अपने माननीय चंपारण सत्याग्रह के 100वें वर्ष पर जिस उत्साह और जिस विश्वास के साथ इस प्रदेश में इस शताब्दी समारोह मनाने का आयोजन किया, न सिर्फ सभी गांधीवादी चिंतक और विचारक को इस प्रदेश में बुलाने का काम किया, बल्कि उनके विचारों को युवा पीढ़ी तक हम कैसे पहुंचाएं, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की। कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने जहां गांधी संग्रहालय में नए ऑडिटोरियम का तोहफा दिया, वहीं नीतीश ने जाति धर्म और समाज की कुरीतियों को खत्म करने का आह्वान भी किया। अब 17 तारीख को 17 अप्रैल को पटना में देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। आदरणीय राष्ट्रपति जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी, राहुल गांधी जी, सब लोग आएंगे। सभी दलों को हम लोगों ने आमंत्रित किया और मुझे उम्मीद है कि सब दल के लोग मौजूद रहेंगे और देश भर के स्वतंत्रता सेनानी आ रहे हैं। गांधी विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम बिहार सरकार मना रही है। वहीं सत्याग्रह शताब्दी के बहाने सियासत भी खूब रंग ले रही है। न्यूज इंडिया के लिए पटना से रोहित कुमार। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में जगह जगह गांधी के कर्म को, गांधी के संदेश को याद किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जब पटना के गांधी संग्रहालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो ये भी प्रदेश की सियासत से अछूता नहीं रहता। मंच पर जहां गांधी के संदेश, गांधी के विचारों पर जिक्र था, तो वहां टीस, तंज और निशाना विपक्ष भी रहा। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित फोन लाइन पर हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। रोहित, 100 साल पूर्ण होने के बाद जहां एक तरफ गांधी संग्रहालय में गांधी के संदेशों को याद किया जा रहा है, तो वहीं तेजस्वी यादव इस बात को लेकर भी सुनाई देते हैं कि गांधी के विचारों का कत्ल किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री के विचारों में ये बात सामने आती है कि गांधी विचारधारा से जुड़े लोगों पर के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। तो मतलब कहा जाए कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रम भी अब सियासत के मंच बनकर रह गए। बीजेपी का भी बड़ा कार्यक्रम चंपारण इलाके में होना है जी, तो माइलेज बीजेपी को या अमित शाह को किसान कुंभ के बहाने में मिल जाए, लिहाजा तमाम जो पार्टियां वो एक दूसरे पे हमला कर रही हैं। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था शुद्ध रूप से चंपारण सत्याग्रह की याद में था। आज के दिन ही महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर से चंपारण, जो की वर्तमान का मोतिहारी पड़ता है, वहां गए थे। ऐसे में उनकी उस वक्त के में जो उन्होंने पोशाक पहन रखी थी, उसी तरह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। लेकिन मंच से जो चीज निकल के सामने आया वो यही था कि इस कार्यक्रम के बहाने से भी जो है वो बीजेपी को निशाने पर रखा गया और बीजेपी पर जम के हमला बोला गया। जाहिर तौर पर ये तमाम जो चीजें हैं, इन चीजों ने कहीं ना कहीं कहते कि इन चीजों के भरोसे हर दल जो है वो अपने अपने हिसाब से इसका सियासी फायदा लेने की कोशिश में है। रोहित, इन सियासी बयानों का क्या मतलब निकाला जाए? आखिर क्या संदेश राज्य सरकार की तरफ से 100 साल पूरे होने के बाद सत्याग्रह संग्रहालय के इस मंच से देने की कोशिशें की जा रही थी?
देखिए क्योंकि मंच गांधीवादी विचारकों के लिए था, गांधी के विचारों को जनता में पहुंचाने के लिए था। लेकिन शुरुआत में देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 20 मिनट का अपना भाषण दिया और बाकी लोगों के भाषण करीब 5-5 मिनट के थे। 5 मिनट में सिर्फ हमला बोला गया गांधी के विचारों को लेकर के कि हम खुद क्या करेंगे, इस पर बहुत कुछ नहीं हुआ। हाँ, गांधी के विचारों की किस तरीके से बीजेपी हत्या कर रही है इशारे इशारे में, इस पर जम के बोला गया। देखिए सूर्या, हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि गांधी को लेकर के वो बड़े कार्यक्रम करेंगे, स्कूलों के अंदर में घर घर तक जो पैम्पलेट गांधी से जुड़े वो पहुंचाए जाएंगे। सरकार की मंशा जो है वो सही है, लेकिन अगर महागठबंधन के स्तर पर देखें तो इस मंच का भी जो इस्तेमाल है वो कहने के ही सियासी निशाना साधने के लिए किया गया। और वही तौर पर इस पूरे जो पूरा जो कहें कि जो फ्रेमवर्क था, जो पूरा कार्यक्रम था, उसके कहीं ना कहीं केंद्र में बीजेपी या फिर उस विचारधारा वाले लोग थे, उन पर हमला बोला गया। और बताने की कोशिश हुई कि आज माहौल इतना खराब हो चुका है कि गांधी के मूल्यों से या विचारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग इस जो बिगड़ती हुई व्यवस्था या फिर माहौल है उससे उभर पाएंगे। सूर्या जी, रोहित, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर जहां गांधी विचारकों का परोसा गया ये मंच, जिस पर सियासी बयानबाजियां भी खूब चली और 5 मिनट के संबोधन में जहां तमाम प्रदेश के दिग्गज पदाधिकारी राजनीति में बड़ा कद रखने वाले लोगों की तरफ से विपक्ष के नाम पर सिर्फ हमला सुनाई दिया गया। इन स्थितियों के बीच में पटना के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर हुए कार्यक्रम में भी एक सियासी रंग गांधी संग्रहालय में देखने को मिला है। टॉपर घोटाले ने राज्य में शिक्षा के नाम पर एक बड़ा दाग लगा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह